लड़के सब चुप करके अपना लड़ कर लेंगे अपना आवाज दो सरकार भाषा को रोटी दे न सके वो सरकार कमी है आवाज दो रिश्तेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुद्दा फ्री में काम नहीं करेंगे फ्री में काम। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना गेम के समय निकालकर हमारे पास आए। देखो, जब आशा वर्कर 2005 में जैसे स्कीम लागू हुई थी तब तीन ही काम थे हमारे, और तीन काम से पांच काम हुए, पांच काम से आठ काम हुए और आठ काम से 60 काम हो गए। आयुष्मान कार्ड हमने 2018 से अभी तक बना रहे हैं, वो हमने 95% बन गए, 5% जो रह गए हैं जिन लोगों का कागज कंप्लीन है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीन है, उन लोगों के नहीं बने हैं। बाकी जो हमने कोरोना में इतना काम किया है और जो एनसीडी का काम हम करते हैं, एनसीडी में जैसे शुगर वाले पेशेंट है, बीपी वाले पेशेंट है, कैंसर वाले, हमने उनको डाटा कलेक्ट करके हॉस्पिटल में देना होता है और हम ये भी देते हैं कि वो कहाँ से दवाई खा रहे हैं, कहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हम पूरा उनको क्लियर करके देते हैं। तो मेरी हेल्थ हिसाब से ये मैं पूछना चाहती हूँ कि एनसीडी का काम भी हमसे लिया जा रहा है और हमें भी वो हमें ये बोला जा रहा है कि आवा आईडी भी हम भी बनाएंगे, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जो एनसीडी में एमएलएचपी में जो डिपार्टमेंट लगाया गया है, जो हमारा स्टाफ है वो क्या कर रहा है, सारा काम हमसे लेना है। तो देना आशा को कुछ नहीं है, सिर्फ आशा को देना कुछ नहीं है, सिर्फ आशा से काम ही काम लेना। हम डे नाइट काम करते हैं और सरकार हमें दे क्या रही है, कुछ नहीं दे रही है। जब हम कहीं फंक्शन में जाती हैं, जब कहीं कुछ भी होता है तो तब भी हम किसी के घर में नहीं जाते, तभी भी हमें फ़ोन आते हैं कि ये डाटा लिखाओ, ये डाटा लिखाओ। और जहाँ पे डीसी मैम आई थी उन्होंने बोला कि आशा वर्क, मतलब कि किसी ने बात की कि आशा वर्क को ये प्रॉब्लम है, आशा वर्कर की जे मांगे, तो डीसी मैडम ने बोला कि आशा वर्कर 8वीं पढ़ी हुई है, उनको हम 26,000 नहीं दे सकते। सभी आशा वर्कर 8वीं पढ़ी हुई नहीं है, कुछ 10वीं पढ़ी हुई है, कुछ 12वीं भी है, कुछ एमए ग्रेजुएशन भी है, क्या वो हमारी डीसी मैम उनको प्रमोशन देंगी? तो फिर डीसी मैम ने कॉन्फ्रेंस रखी थी कि उन्होंने बोला कि आवा आईडी आशा वर्कर करेगी और जो आयुष्मान भव है ये घर घर जाकर लोगों को स्कीम देगी। डीसी मैम को पता नहीं है कि आशा वर्कर स्ट्राइक पर है, हमारे बारे में बात किसी ने नहीं करनी और काम हमें थोपने हैं, जो भी काम आता है हमारे सिर पे थोपा जाता है। हमें किसी ने खरीदा है? सरकार ने हमें खरीदा है क्या? हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपना देखो, 2000 में तो हमारा किराया भी पूरा नहीं होता है। हमारे एसडी साहब से, मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचा जाए, जो हमारा मिनिमम बेस 26,000 है वो भी पूरा किया जाए। तब तक वो 26,000 पूरा नहीं करते तब तक हमारा जो स्टेट का मिनिमम बेस है वो तो 10,000 तो कम से कम 10,000 तो हमें दें, तो हम भी अपना पालन पोषण जो बच्चों तरह से कर सकते, हम लोगों के बच्चों की रक्षा करते, हमारे बच्चों की भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारे भी बच्चे हैं। सर, जिस तरह से आज आशा वर्कर जो कि रामनगर में रोडों पर उतर आई हैं, वो इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारी आशा वर्कर हैं, ये बहनें जब कोरोना वायरस आया उस टाइम भी हमारी बहनों ने इतना काम किया, घर घर जाके लोगों को दवाई भी दी और सैनिटाइजर भी प्रोवाइड करवाए। अब इनकी बारी आई, ना इनको पे दी जाती है, ना इनको कोई परमानेंट जॉब दी जा रही है। तो हमारी गवर्नर साहब से यही गुजारिश है, हमारी बहनें जो हैं ये इतना काम कर रही हैं, इन लोगों को भी अपने बच्चे पालने हैं, कैसे पालें? तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ एलजी महोदय से, इन हमारी जो आशा वर्कर हैं ये इतना अच्छा काम कर रही हैं, दिन रात ये मेहनत कर रही हैं, इन लोगों को भी, इन हमारी बहनों को भी जान की पे दी जाए, जहाँ इनको रेगुलर परमानेंट किया जाए ताकि ये अपने बच्चे पाल सकें। ये दिन रात ये मेहनत करती हैं, तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को क्या दिया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्या दिया जा रहा है? ये जब ये बच्चे डिलीवरी जब होती है तो उनको कहा गया है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी, होम डिलीवरी नहीं होगी। तो ये रात हो या दिन हो या बारिश हो, तभी ये हर जाके घर में जाके जो लोगों को गाइड करती हैं और महिलाओं को समझाती हैं, उनकी इतनी देखभाल करती हैं, फिर भी इन लोगों को कुछ भी ना इनको पे दी जा रही है और ना इनको परमानेंट किया जा रहा है। हमारी आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं जो हमारे काम कर रही हैं, जहाँ रामनगर में हो चाहे उधमपुर में हो, जितनी भी आशा वर्कर हैं, हम लोग BDC मैं चेयरमैन और हमारे सरपंच सभी लोग इनके साथ हैं। जब तक इन लोगों को परमानेंट ना किया जाए, जहाँ इनकी कोई पे ना इनको दिया जाए, हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनका प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। हमारे साथ झंझोर के सरपंच हैं, तो आप भी इनके समर्थन में उतरे हो, आपका क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम थोड़े दिनों से देख रहे हैं कि
ये जो आशा वर्कर है ये स्ट्राइक पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह, पूरे भारत में हम देख रहे हैं। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के समर्थन में हम जब सरपंच बने थे तो हमें भी गरीब लोगों ने ही इस मुकाम तक पहुंचाया था। आज हम इन लोगों की आवाज़ नहीं बनेंगे तो और किसकी बनेंगे। ये गरीब फैमिली से लगभग जो आशा वर्कर हैं मैक्सिमम ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, और एक परिवार जो है 2000 या 1500 में कैसे गुजारा करता होगा। जब किसी के हमारे गांव में किसी के घर में डिलीवरी होती है तो हम आशा वर्कर को फ़ोन करते हैं, तब हम टाइम नहीं देखते कि रात का 1 बज रहा है या 12 बज रहे हैं, हम सीधा इनको फ़ोन करते हैं। और ये बेचारी आती हैं, हमारी लोगों की अगर ये इतनी खिदमत कर रही हैं तो सरकार को भी चाहिए कि कम से कम इनका अगर ये 26,000 वेतन के लिए अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी ये जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। और मैं आज हमारे साथ ये BDC चेयरमैन हमारे रामनगर वाले ये आए थे, सरपंच हमारे साथ बहुत से अभी कुछ आ रहे थे लेकिन थोड़ा लेट हो गए, हो सकता है नेक्स्ट प्रोटेस्ट में हम लोग आए। मैं सभी आज देख रहा था बहुत से लोग जो हैं नारी, अगर हमारी नारी शक्ति के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। हम देख रहे थे रास्ते में आते समय बहुत से लोग जो हैं देख के इधर उधर जा रहे थे। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि ये आपका ही मसला है, आप लोगों को खिदमत के लिए सरकार ने इनको चाहे 2000 रुपये रखा था लेकिन मुझे लग रहा है कि 2000 में एक दिन का खर्चा ऑफिसर लोग जो ब्यूरोक्रेट लोग जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं उनका 2000 रुपया मुझे लगता है एक एक दिन का गाड़ी का खर्चा है। और ये अगर 26,000 इनकी डिमांड है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। LG प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहूँगा कि इन बेचारियों की कम से कम कोई डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड पूरी की जाए, ताकि बहुत से लोग हमारे जो हैं गाँव में उनको इस वक्त बड़े परेशान हैं, किसी की डिलीवरी है, हॉस्पिटल में गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको हॉस्पिटल का रास्ता नहीं मालूम, उनको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल में कहाँ जाएंगे।